गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लासेस पे अपन ने कीवर्ड आइडेंटिफायर्स इन पे चर्चा किया था .NET में। आज अपन देखते हैं, सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाइए। सभी वॉइस आ रही बेटा? वॉइस आ रही है? आकाश, आकांक्षा, सर्वासम पाठक, शैली, अब तो मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है। आदित्य, वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही। अंश, प्रिंस, यस सर, आ रही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपन। तो यस सर, आ रही है। पिछली क्लासेस में अपन ने कुछ पॉइंट्स लिए, कीवर्ड, वेरिएबल्स। ये कीवर्ड्स और वेरिएबल्स और डेटा टाइप, तीन चीजें मैंने बताई थी। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, चलिए आज आगे चलते। तो हमने डेटा टाइप्स बताए थे, उसके बाद आज अपन बात करते हैं VB.NET में जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं वो डिफरेंट, जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस में ऑपरेटर, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हमारे पास। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉन्करेंट और मिसलेनियस, इतने टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल। तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो सबसे पहले जो ऑपरेटर अवेलेबल है कैरेट वाला, ये कैरेट इस तरह से लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज टू, जैसे हमने मान लो यहाँ पे दिया x की पावर बाई, इसका मतलब हमने जैसे हम लगाया, तो हमने यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, x कैरेट बाई। तो जब हमें किसी पे पावर कैलकुलेट करानी होती है तो एक्सपोनेंट के लिए घात कैलकुलेट करानी होती है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, कैरेट ऑपरेटर, यानी एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैरेट का। भी प्रोग्राम में डेमो दूंगा तो क्लियर भी कर दूंगा मैं। उसके बाद अगर हमें दो वैल्यू में जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर, वैल्यू में माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, डिवीजन में हमारे पास दो ऑपरेटर यूज होते हैं, एक हमारे पास बैकवर्ड स्लैश यूज होता है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, और एक हमारे पास बैकवर्ड स्लैश यूज। ये जो रिटर्न करता है ये फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव में वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये जो ऑपरेटर्स है ये इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा। और मॉडलस ऑपरेटर के लिए यहाँ पे हम जो लिखते हैं मॉड ऑपरेटर, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में आप ये लगाते थे, तो यहाँ पे हमें ये यूज ना करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर। अब देखिए, चलते हैं प्रोग्राम बनाते हैं .NET में, आपको डेमो देते हैं किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए, अपन सबसे पहले स्क्रीन शेयर कराते हैं, .NET को ओपन करते हैं, ठीक है। तो .NET में कल एक प्रोजेक्ट लिया था डेमो कैलकुलेटर नाम से, ठीक है। तो डेमो कैलकुलेटर हमने एक बनाया हुआ था प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, ये क्लियर, ये हमने एक बनाया हुआ था। आज हम एक बार आपको फिर बनाना बताते हैं, नया प्रोजेक्ट लेके आपको बनाना बताते हैं। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास नहीं ली वो आप देखेंगे, फिर हम यहाँ व्यू में जाएंगे और स्टार्ट पेज को ओपन करेंगे। किसको पेज को ओपन करेंगे, स्टार्ट पेज। और आज हम आपको डेमो देके नया, तो यहाँ से हम लेंगे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से भी ले सकते हैं या फाइल में जाके हम यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके यहाँ प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। तो जैसे जहां जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप डिजाइन। तो आज हम यहाँ पे डेमो देते हैं, हमने यहाँ दिया प्रोग्राम ओपी यानी ऑपरेटर डेमो, ठीक, और इसको सेव कर दिया। और यहाँ से जो एप्लीकेशन लेंगे वो कौन सी एप्लीकेशन लेंगे, विजुअल बेसिक, और यहाँ से हम लेंगे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, सिलेक्ट किया। तो जब हम ये फॉर्म क्रिएट हो गया हमारा, तो हमने आपको बताया था कि जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे वो हम इसकी आईडी पे क्रिएट करेंगे। किसकी आईडी पे क्रिएट करेंगे, ये जो हमारे पास आईडी है इस पे हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो जब हम क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमने आपको बताया था कि हमारे पास आईडी ही होता है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, टूल बॉक्स का। तो यहाँ टूल बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा, व्यू में जाके टूल बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब जो चीज आपको सामने डिस्प्ले करानी, यहाँ डिस्प्ले करानी, जो सामने डिस्प्ले करानी, उसके लिए हम यहाँ पे जो कंट्रोल यूज करते हैं, लेवल, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री, यहाँ से ले लिया हमने,
इतने ही हम यहाँ पे अगर वैल्यू इनपुट करानी है तो इनपुट कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस का, टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स थ्री, ये हमने यहाँ क्लियर। अब यहाँ पे अगर कोई सेटिंग करनी है, फॉर्म सेटिंग करना है, तो हमने आपको बताया था कि हमें इसकी प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करना पड़ता है। किसकी ओपन करना पड़ता है, प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करना पड़ता है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाने के बाद जो भी आपको फॉन्ट लेना है, तो देखिए फॉर्म की प्रॉपर्टी खुल गई। यहाँ से हमने फॉन्ट पे क्लिक किया, हमने फॉन्ट यहाँ से लिया सपोज गोल्ड, और यहाँ पे दे दिया हमने 10। साइज देखिए बढ़ गया हमारे पास। अब इन एक एक करके हमें यहाँ पे लेवल चेंज करना है, क्या करना, लेवल को चेंज करना है। अब इसका जैसे नाम हमने यहाँ पे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, या एंटर फर्स्ट वैल्यू, राइट क्लिक यहाँ पे किया हमने, एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, उसके बाद इसको हमने दे दिया एग्जीक्यूशन, इसके रिजल्ट तो हमने आप दे दिया जैसे कर दिया। उसके बाद इनका नाम चेंज करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करने का तरीका हमने क्या बताया, टीएक्सटी नाम वन, टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्स प्रोग्रामिंग के लिए नाम टू। अगर आप लोग प्रैक्टिकल ना करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग जिनके पास कंप्यूटर है प्रैक्टिकल करें। नाम इसका नाम दे दिया हमने आरएस, टीएक्सटी आरएस। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, बटन्स रखनी, क्या रखनी है अपनी, बटन्स रखनी, क्योंकि हमने आपको कल बताया था vb.net जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर, किसी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन किसी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बटन रखी, अब हमने यहाँ पे बटन लेने के कौन सा कंट्रोल लिया, बटन, तो यहाँ टूल बॉक्स में बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर, और एक हमने यहाँ पे रखा बटन फाइव, जितने चाहे उतने हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर, तो हमने इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी इसको हमने बना दिया, जो सामने डिस्प्ले करता है हमने प्लस के लिए, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे नाम दे दिया पीटीएम, इसका हमने बनाया माइनस के लिए, तो हमने इसका दे दिया बीटीएन माइनस, इसका नाम दे दिया बीटीएन सब। तीसरी बटन पर क्लिक किया, इसको हमने बनाया मल्टीप्लाई के लिए, इसका नाम दे दिया बीटीएन मल्टी, क्या नाम दे दिया, बीटीएन मल्टी। क्लियर, उसके बाद उसके बाद इस पर क्लिक किया, इसका हमने बना दिया डिवीजन, और यहाँ पे दिया बीटीएन। क्लियर, इसको हमने बना दिया क्लोज, क्या बना दिया क्लोज, और इसको भी हमने यहाँ पे बना दिया बीटीएन। ये देखिए हमने इसको अभी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया, अपने हिसाब से चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो। चाहो तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, तो एक साथ सिलेक्ट कर लो सबको, राइट क्लिक करो, कहाँ जाओगे प्रॉपर्टी, और यहाँ से सब सब सबका अपने अपने हिसाब से फोर कलर चाहो तो फोर कलर भी चेंज कर सकते हो। ये अब इनकी एक एक बटन पे हमें क्या करना है, कोडिंग करना है। तो पहले प्लस बटन पे क्लिक करना है, तो प्लस पे क्लिक करोगे तो इसका कौन सा इवेंट आएगा, क्लिक इवेंट आएगा, कौन सा इवेंट आएगा, क्लिक इवेंट।
अब यहाँ पे हमने बताया था वेरिएबल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, टिम एस डेटा टाइप कौन सा बताया था इसमें यूज होता है इंटीजर, फिर हमने यहाँ पे टिम बी एस इंटीजर, फिर हमने लिया टिम सी एस इंटीजर, ये हमारा वेरिएबल बनाने का तरीका। ऐसे भी बना सकते हैं, कमेंट में देना है तो हमने ये बताया कि हमारा कोड किस में चला गया कमेंट, एक साथ बनाना है तो कॉमा लगा के दे सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं अलग अलग भी बना सकते हैं। अब ए में वैल्यू कहां से इनपुट होगी, इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर txt num डॉट टेक्स्ट, पहली वैल्यू आ गई txt, दूसरी वैल्यू कहां इनपुट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब ये देखिए कहां से आ रहा है, इसका नाम क्या है, इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे तो इसका नाम हमने क्या देखा दिया है txt num, और इसका क्या दिया txt 2, इसका क्या दिया txt rs, तो इनमें वैल्यू इनपुट कर रहे हैं ना, तो हमने ए में असाइन कर दिया txt num डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। इसी तरह हमने यहाँ पे असाइन किया txt num 2 डॉट टेक्स्ट, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट कर दी। हमने यहाँ पे किया c इक्वल टू a प्लस b, वैल्यू इनपुट हो गई। अब हमें कहाँ चाहिए txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे c में असाइन किया, तो पहली कोडिंग हो गई हमारी। इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए, क्लियर, और यहां पे जाइए माइनस वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे ऑपरेटर आप क्या कर दीजिए माइनस, अब आप किस पे जाइए बट बीटीएन मल्टी पे क्लिक कर दीजिए, ऑपरेटर यहां से क्या कर दीजिए क्लियर, उसके बाद डिवीजन पे जाइए, यहाँ पे क्या कर दीजिए ठीक है। अब डिवीजन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी को यहाँ पे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल, क्योंकि डबल डबल या डेसिमल, क्योंकि दशमलव वाली वैल्यू भी आएंगी, तो हमने यहाँ से कौन सा डेटा टाइप लेंगे। अब इसको हमने क्लोज ना करके इसका नाम दे दिया रीसेट, रीसेट में अपन क्या करेंगे रीसेट। अंश क्या प्रॉब्लम है बताओ, अंश मिस्टेक सर, गलती हो गया है? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत। अब हमने इनकी सब पे कोडिंग कर लिया, क्लियर, देखिए सबकी कोडिंग हो गई। अब हमने इसको रन कर प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम हमारा यहां से एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ये देखिए शेयर कराया मैंने, आउटपुट आपके सामने दिख रहा है। अब यहां पर जिसे हमने जुड़वाया 12 22 प्लस हो गया 34 आ गया, अगर हमने कर दिया 122 में 24 में 22 को माइनस कर दिया माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवीजन आ गया, क्लियर। अब हम रीसेट पर अगर क्लिक करें तो ये सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ये क्या हो जाएगा क्लियर। तो क्लियर करने के लिए अपन कैसे यूज करेंगे, रीसेट बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका इवेंट ओपन हो जाएगा, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करा दें डॉट क्लियर, ये देखिए बने बनाए इसके मेथड मिलेंगे, ये देखिए क्लियर txt डॉट टेक्स्ट, हमने बताया 4GL लैंग्वेज है, आपको टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ बने बनाए मिले डॉट, ये देखिए क्लियर। अगर आप इंटीजर वैल्यू चाहते हैं तो देखिए ऑपरेटर चेंज करेंगे, अब यहां पे ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, अब इस स्लैश की जगह पे अगर हम ये वाला ऑपरेटर लगा देंगे तो ये हमें किसमें वैल्यू देगा, ओनली इंटीजर वैल्यू देगा, क्या देगा ओनली इंटीजर, जैसे 5 / 3 तो क्या देगा सिर्फ देखिए 1 देगा। अगर हम एक ऑपरेटर दूसरा लगा दें तो ये हमें किसमें देगा फ्लोटिंग पॉइंट में देगा, ठीक है, जैसे हमने दिया 5 / 3 एक मिनट ये देखो पॉइंट में, हाँ बताइए कौन पूछे क्वेश्चन, अनस बोल रहा हूँ सर, सुहैल को एक्सेप्ट कर लीजिए, गलती से एग्जिट हो गया था, नेट नहीं चल रहा था। हम एक्सेप्ट करते और सभी ऑल कर रहे हैं बेटा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं हो रहा सर उसका,
मेरी तरफ से कोई इशू नहीं बेटा, उसी की तरफ से इशू है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं। हमने सभी को एडमिट ऑल किया है, हमने सभी को एडमिट ऑल कर दिया है, किसी को नहीं रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, तो ये इतना हमने ये प्रोग्राम बनाया। तो ये प्लस माइनस ऑपरेटर आपको समझ में आ गए। अब इसमें देखिए दो ऑपरेटर हम और आपको बताते हैं, मॉड ऑपरेटर और एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन रखी हमने एक्सपोनेंट के लिए और एक बटन रखी हमने मॉड के लिए। ठीक है, तो इसका नाम हमने जैसे दे दिया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, कैरेट, ये, और इसका नाम दे दिया डीटीएन एक्सपो। नाम जरूर चेंज करेंगे, इसका नाम हमने दे दिया बीटीएन मोड, बीटीएन मोड, और यहाँ पे इसको कर दिया मोड। क्या कर दिया, मोड। मोड ऑपरेटर क्या करता है, शेषफल रिटर्न करता है। आप लोगों को मालूम मोड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, शेषफल रिटर्न करता है। और ये जो हमारा कैरेट सिंबल है ये क्या रिटर्न करता है, पावर। तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो कोड हमने कॉपी किया था उसी कोड को लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं ए एक्सपोनेंट, क्लियर, और इसमें हम क्या देते हैं मॉडलस, यहाँ पर मिल गया मॉड। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, लिखना पड़ेगा मॉड, क्या लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों पे चेंज किया और हमने यहाँ पे रन किया, तो अगर हम यहाँ पे डालेंगे, दिख रही है स्क्रीन सभी को बेटा, स्क्रीन दिख रही है, यस सर, यस सर, यस सर। अगर हमने डाला यहाँ थ्री और थ्री की घात थ्री कितना होना चाहिए हमारे पास, 27, यही आना चाहिए। तो ये जब हम घात कैलकुलेट करते हैं तो बीबी डॉट नेट उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट सिंबल। किसका यूज करते हैं, कैरेट सिंबल, एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट के लिए, क्लियर। अगर हम यही शेषफल रिटर्न निकालना चाहते हैं, जैसे हमने निकाला 22 और हमने यहाँ पे दिया 7, तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए मॉड ऑपरेटर हमारा काय के लिए होता है, शेषफल के लिए। तो यहाँ पे कुछ जो चेंजेस है वो हमने आपको बताए कि आपका डिवीजन में चेंजेस हैं, एक्सपोनेंट में चेंजेस हैं और मॉडुलस में। बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके सारे कैसे हैं, पुराने वाले। बाकी जो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे कैसे हैं, आपके पुराने, क्लियर। क्लियर, अब कितना समझ सर वो, हाँ इतना किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा, अगर इतना किसी कोई समझ में ना आया हो सर। कोडिंग की लास्ट, हेलो सर, हाँ सर, इसकी कोडिंग खोलिए, ये जो लास्ट में है ये है txr txtrs, हाँ डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, जी सर, ये किस लिए है सर, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है कि इस टेक्स्ट रिजल्ट हम किस में लाएंगे, इसमें शो कराएंगे। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या दिया हुआ, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दिया हुआ txtrs दिया है, तो इसमें असाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसको, जी सर, txtrs.txt इक्वल टू सी, तो सी में जो वैल्यू आ रही है वो कहां साइन हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स में साइन, इस पे, ठीक है ना। और बताएं बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछे, जब पूछेंगे तभी आएगा आपको, कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स का, सोहेल, आदित्य सर, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है सब में सर टेक्स्ट, नहीं देखो वैल्यू को असाइन करने, ध्यान रखना वैल्यू को जब हमें असाइन दे, बटन पे है, बटन पे जो चीज हमें सामने डिस्प्ले करानी है वो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे प्लस सिंबल सामने लाना है तो हमने किस में असाइन कर दिया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दी, क्लियर। अगर जब हमें किसी वैल्यू को असाइन करना है, टेक्स्ट बॉक्स से असाइन करना है, तो भी हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लियर। तो जब हम वैल्यू शो करते हैं या दिखाते हैं तो वहां पे हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और बताएं स्टूडेंट्स, बोलो, पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो आप लोग सभी, दीपक, दीपक, राहुल रेटवार, राहुल, राहुल, कोई क्वेश्चन, प्रिंस, नो सर, नो सर, क्वेश्चन अभी नहीं, क्वेश्चन नहीं। तो आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आप लोगों के पास, ये बताइए। यस सर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, उसमें काम करिए। किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए, सर्वांग से पाठक,
सर्वांग सम सर्वज्ञ, हाँ वही एक ही बात है, बोलो सर्वज्ञ, हाँ सर्वज्ञ बोलो, पुराने पुराने स्टूडेंट का नाम याद आ जाता है, हाँ बोलो सर्वज्ञ पाठक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है आपके पास? यस सर है। इंस्टॉल कर लीजिए किसी स्टूडेंट्स को, और कौन है, दीपक, आकांक्षा, आदित्य, फैजुल? सर हमारे पास नहीं है सॉफ्टवेयर। आपके आपके पास नहीं, जिनके पास नहीं वो कॉलेज से आके ले लें, ठीक है जी सर। चलिए अब देखिए, अब इसी में कुछ आगे और बताता हूँ आपको एक पॉइंट। अब जैसे मान लो ये फॉर्म वन हमारे पास है, ये प्रोग्रामिंग हो गई, अब हम बार बार रोज तो प्रोजेक्ट चेंज करते नहीं, अब हमें नया फॉर्म लेना, क्या लेना, नया फॉर्म। तो नया फॉर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, क्या जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एड बटन आ रही होगी बेटा, एड, एड करने के बाद हम यहाँ पे देंगे विंडोज फॉर्म, क्या लेंगे, विंडोज फॉर्म, तो विंडोज फॉर्म पे क्लिक कर देंगे और एड बटन पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए फॉर्म टू आ गया हमारे पास, क्या आ गया, फॉर्म टू। अब हम इस पे भी पूरे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पर अगर अभी हम रन कराएंगे, ध्यान रखना अभी अगर हम रन कराएंगे तो हमारा रन कौन सा होगा, पहला वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म होगा, पहला वाला। देखिए हमने फॉर्म टू लिया, पर रन कौन सा हो रहा हमारा, फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हमें सेकेंड फॉर्म को रन कराना है, तो सेकेंड फॉर्म रन कराने के लिए सेटिंग्स देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टअप फॉर्म, क्या लिखा हुआ, स्टार्टअप फॉर्म। तो अभी स्टार्टअप फॉर्म कौन सा है, फॉर्म वन, हमें किसको बनाना है, स्टार्टअप फॉर्म टू, तो यहाँ से टू को हम सिलेक्ट कर देंगे, और अब अगर हम रन कराएंगे तो हमारा कौन सा फॉर्म रन होगा, ये देखिए फॉर्म टू हमारा, क्लियर, देखिए फॉर्म टू हमारा यहाँ से रन, समझ में आया इतना कि फॉर्म वन को लेना है, फॉर्म टू को लेना है, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा इतना बेटा, यस सर, कितना हो जाएगा, यस सर। चलो आज आप लोग इतना ही करेंगे, जो एप्लीकेशन जो हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को आप लोग सभी लोग बना के स्क्रीनशॉट भेजेंगे हमको, ठीक है, मैं ऐप उसको ओपन कर देने, मेरे पर्सनल मैसेज करिएगा आप लोग, ठीक है, अपना नाम डाल के कि ये आपने बनाई एप्लीकेशन, के पास इंस्टॉल है, जिनके पास नहीं वो भी करें, ठीक है, इसको आप बना के आज भेजेंगे, और फिर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी तो अपन कल देखें। हाँ बोलो विष्णु, क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन बोलो, हाँ विष्णु पूछे, ठीक है, चलिए इतना आज करिएगा आप लोग, बहुत जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग है अभी, तो इतना करेंगे आप लोग, आज एक ही प्रोग्राम बनाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछे, ठीक है, चलिए इतना करिए आज, नहीं थैंक यू, और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई भी कुछ भी पूछना हो आपको, सर कल पूछेंगे करने के बाद, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू।